तो जैसा कि आज का टॉपिक में मैं आपसे बात कर रहा था कि सोशल इश्यूज और एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नेचर के साथ एक सोशल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और जो विकास की परिभाषा हम बात कर रहे थे, केवल रिच होना ही नहीं है, या एक तरह से हमारा व्यक्तिगत डेवलपमेंट ही नहीं है, जो डेवलपमेंट या हमारा रहने का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, हाई लेवल का होना चाहिए, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच हमारी उसमें होनी चाहिए हमारे विकास के लिए। उसके बाद मैं बात कर रहा था कि 10 डेवलपमेंट लीड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। डेवलपमेंट का उद्देश्य है इंप्रूविंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, विच लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हमको रोकना है, लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसके मेजर दो फैक्टर मैंने आपको बताए, अनसस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज और अनसस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हमारा ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, जो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें प्रभाव पड़ रहा है, एनवायरनमेंट में प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम ओवर एक्सप्लोटेशन करेंगे किसी चीज का, तो वो रिसोर्स भविष्य में यूज के लिए नहीं बचेगा। उसी के साथ साथ जो हम ग्रोथ की बात करते हैं, जो ग्रोथ की प्रैक्टिस है, वो डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है वो सस्टेनेबल मैनर में हो, जिसका प्रभाव हमारे पर्यावरण में ना पड़े। फिर हमने बात की कि हमारे करंट स्टेटस क्या है। जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है केवल मनुष्य को ध्यान में रखते हुए जा रहा है, लेकिन हमको जो डेवलपमेंट करना है वो साइंटिफिक और टेक्निकल अप्रोच के साथ हमको डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन इसकी कीमत क्या हो? इन्वायरमेंटल का जो नुकसान करके कि हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य और इन्वायरमेंट का आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आपसी संबंध है, जिस कारण से पर्यावरण बनता है। आज की डेट में इन्वायरमेंटल टॉक्स हर कोई करता है, तो उस इन्वायरमेंटल टॉक से क्या हम लोग केवल बात करने तक ही सीमित है? आपसे मैंने कहा कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे कराता है, और उसके बाद हमारे काफी प्रोग्राम जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के चले। ठीक है, जो कार्बन इमिशन को हमको कम करना है, और दूसरे जो हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको हमको कम करना है, ये सारी बातें मैंने आपसे अभी शेयर करी। तो अब हम बात करते हैं कि सोशल इश्यूज कौन कौन से सोशल इश्यूज हैं। सबसे पहला है अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी। जो अर्बनाइजेशन है, हमारे शहर हैं या आज की डेट में गांव है, वहां पर एनर्जी का कंजम्पशन कैसे हो, कैसे सस्टेनेबल मैनर में हम एनर्जी का यूज करें और एनवायरनमेंट को भी हमारे प्रभाव ना। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन। आप जानते हैं जल का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है, बिना जल के जीवन यापन करना कितना मुश्किल है, डे टू डे लाइफ में हमारा जल का कितना महत्वपूर्ण रूप में हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा जो हमारे सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जाती हैं, वहां पर रीसेटलमेंट होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, उस तरह के मुद्दे हैं हमारे समाज। क्लाइमेट चेंज आज की डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी के अलावा एसिड रेन, आपसे मैंने शेयर किया था, एसिड रेन है, ओजोन लेयर है जो हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेजेस से, और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं जो आज की डेट में आपने देखा होगा। अभी यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हुआ था तो परमाणु युद्ध की तक बात आने लगी थी। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स और हमारे
मुद्दे हैं सामाजिक, जिसको हम सामाजिक मुद्दे जो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। हमारे शहर में जो है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर हम व्यापार करते हैं, वहाँ पर हमारा एजुकेशन है, वहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कुछ ना कुछ। आज की डेट में हम देख रहे हैं, पलायन की बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो हम लोग शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जो 50% पॉपुलेशन है हमारी, वो किन एरियाज में निवास करती है? अर्बन एरियाज, शहरों की तरफ। लेकिन किसी भी जगह की एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, कैरिंग कैपेसिटी यानी कि उस एरिया में रहने की एक क्षमता हो, ठीक है। तो उस अर्बन एरियाज में डिफिकल्ट टू अकोमोडेट ऑल द पीपल्स इन पर्टिकुलर एरिया, तो ये भी एक तरह का हमारी प्रॉब्लम है जिससे हमारे पर्यावरण में प्रभाव पड़ता है। जो हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मैंने जैसे पहले ही बताया अनसस्टेनेबल मैनर में है। उसके अलावा अगर हमारा जो क्षेत्र डेंसली पॉपुलेट होगा, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, मोर कंज्यूम रिसोर्सेज होंगे, यानी वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका कंज्यूम ज़्यादा होगा और एनर्जी हमको उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसी में हम आगे बात करते हैं, तो एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी हमारे जो क्षेत्रों में होंगी? रेजिडेंशियल होगी, कॉमर्शियल होगी, यानी कि जो आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और जो व्यापारिक गतिविधि के लिए आपको लाइट की जरूरत होती है, मॉल्स हैं, आपकी दुकानें हैं, आपके ऑफिस हैं, आपके होटल्स हैं, आपके पार्क हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट है, सब जगह पर क्या है, आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसमें हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। भाई ईंधन तो चाहिए उसमें, तो ईंधन से क्या होगा, एनर्जी होगी तो हमारी गाड़ियाँ चलेंगी। उसके अलावा आज की डेट में हम बात करें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल है, आपका वॉशिंग मशीन है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, इन सब के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना। उसके अलावा आप देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ का, आपने कभी देखा हो तो इंडस्ट्रीज़ में बिना बिजली के इंडस्ट्रीज़ की कल्पना भी बेकार है आज के टाइम में, तो इंडस्ट्रीज़ में हमारा एनर्जी कंजप्शन है बहुत ज़्यादा। वेस्ट का डिस्पोजल है, जहाँ देखें हर जगह कूड़ा ही कूड़ा आपको देखने को मिलता है। अब तो हमारे जो प्राकृतिक सौंदर्य जगह हैं, जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलेशन आने लगी है कि वहाँ आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलने लगी। उसी के अलावा इन सब चीज़ों के लिए प्रिवेंशन है और इसका इनका कंट्रोल होना चाहिए। अब इन सब चीज़ों से कुछ इफेक्ट्स भी तो पड़ेगा। इसका इफेक्ट्स क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। पावर कट्स होती हैं आजकल शहरों में, आपने देखा पावर कट्स होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें लोड ज़्यादा हो जा रहा है एनर्जी का, एनर्जी की डिमांड हमको क्या है अदर स्टेट से करनी पड़ती है, ओवरऑल सोसाइटी सफ़र करती है, यानी कि जो हमारा समाज है, हमारा समाज इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम में आता है, सफ़र करता है। आजकल गर्मी के दिन है, अगर लाइट चले जाए और अगर आपके पास इन्वर्टर या जनरेटर की व्यवस्था नहीं है तो आप सफ़र करेंगे। अगर हमारी इक्वल रूप से अगर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस तरह के जो एनर्जी का लोड है वो कम होगा और पावर कट्स और इस तरह से हमारी जो अन्य समस्याएं हैं वो हमको नहीं झेलनी पड़ेगी। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हैम्पर्ड करेगा, क्यों? पावर कट्स होगा तो देखो इंडस्ट्रियल एरिया में आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, है ना, उसी तरह से जो और मशीनें हैं वो काम करना बंद करेंगी, तो कहीं ना कहीं से एनर्जी कम का अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें हमारा क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। अच्छा, एनर्जी बंद कैसे रही है हमारी, जो थर्मो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क आपके पावर प्लांट्स हैं उसमें भी तो इफेक्ट पड़ेगा इसमें, भाई उनको ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा एनर्जी का, ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा तो उसमें भी मशीनरी में या प्रोडक्शन में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो वही है कि अनकंट्रोल्ड जो हमारा डेवलपमेंट है और ये सब चीज़ें हैं, हमारे एनर्जी जो कंजप्शन है या एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसमें बुरा प्रभाव डालते हैं।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन। जैसा कि मैं बता रहा था कि वाटर के बिना जीवन यापन करना हमारे लिए संभव है। इट इज अ वाइटल रिसोर्स ऑफ एनवायरनमेंट टू लिव इन दिस प्लैनेट अर्थ। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात करें जो मैक्सिमम वाटर रिसोर्सेस हैं वो पॉल्यूटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। क्यों? प्लास्टिक का यूज हो रहा है, गंदा पानी उसमें छोड़ा जा रहा है, तो क्या है, वाटर हमारा पॉल्यूटेड ही तो है। आजकल आपकी हर घर में आरओ मिलेगा, फिल्टर मिलेगा, तो यहाँ तक कि आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहां भी आपको फिल्टर देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज क्यों लगा रहे हैं फिल्टर? वाटर यानी कि हमारा पॉल्यूटेड है, तमाम तरह की डायरिया हो रहा है, बीमारी हो रही है, पेट जनित रोग हो रहे हैं जो कि पानी के द्वारा ज्यादातर होते हैं। तो वाटर हमारा पॉल्यूटेड है, और जो पानी की मात्रा है पृथ्वी में वो बहुत लिमिटेड है जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। बाकी तो सब खारा जल है ना। तो हमारे जल के संरक्षण के लिए हमको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सो हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन रिफर्स टू रिड्यूस द यूजेस ऑफ वाटर एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर इरिगेशन। हमको जो अपने पानी का यूज है उसको हमको थोड़ा कम करना पड़ेगा, जहां पर आवश्यकता अति आवश्यकता हो वहीं पर हम उसको यूज करें। उसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, उसमें हम अभी आगे बात करेंगे, जो कि हमारा क्लीनिंग है उसमें हम पानी का यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी कहीं कहीं पर पानी का यूज होता है, कूलिंग प्लांट लगे रहते हैं, एग्रीकल्चर का इरिगेशन, हमारा जो एग्रीकल्चर है बिना पानी के एग्रीकल्चर संभव नहीं, तो उसके लिए हमको रिसाइकल वाटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, बहुत से जो हमारे शोध करता है उन्हें इस तरह का आपका सजेशन दिए हैं कि वाटर कंजर्वेशन एफर्ट शुड बी प्राइमरीली डायरेक्टेड एट फार्मर्स इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट क्रॉप इरिगेशन अकाउंट ऑफ 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर। 70% ऑफ द फ्रेश वाटर हमारा इरिगेशन में यूज हो रहा है। तो इस इरिगेशन के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं? ड्रिप इरिगेशन, जो हम डायरेक्ट पानी का छोड़ते हैं उसकी जगह पे ड्रिप इरिगेशन। आपने एक वर्ड सुना होगा ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पतले पाइप लगे होते हैं जिसको एक वाटर बॉडी से कनेक्ट किया जाता है। उन पाइप में क्या होता है, छोटे छोटे एक डिस्टेंस में छेद किए जाते हैं और वापस उस पाइप की कनेक्टिविटी उस रिसोर्सेस से रहती है ताकि वो जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो वापस उस रिसोर्स में चले जाए। तो जो जल हमने उस पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए होते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप है उनको इरिगेट किया जाता है, जिससे पानी की बहुत कम मात्रा का ही यूज उस इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हुआ आपका ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पब्लिक आउटरीच कैंपेन, वाटर रेट्स चार्जिंग प्रोग्रेसिवली हायर प्राइस एज वाटर यूज इंक्रीजेस। कहीं पर हमारा जो कैंपिंग साइट्स हैं, कहीं पर कुछ है वहां पर वाटर के चार्जेस हैं, और आउटडोर एक्टिविटीज में हमारे लॉन है उसमें वाटरिंग हम लोग करते हैं, कार वॉशिंग है उसमें हमको वाटर का यूज होता है, तो उसको भी हमको क्या करना चाहिए, रिसाइकल वाटर का हमको यूज करना चाहिए। अब आगे मैं आपसे इमेज शेयर कर रहा हूँ, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, वाटर योर यार्ड आउटडोर प्लांट्स अर्ली लेट इन द डे टू रिड्यूस द इवेपोरेशन, मल्च अराउंड द प्लांट टू होल्ड वाटर इन द सॉइल। यानी मल्चिंग यानी हमको उसमें जो हमारी खाद है या हमको दूसरे जो मॉसेस ग्रासेस हैं जो पानी अवशोषित करते हैं या पानी रिटेन रखते हैं अपने पास, वो हमारे पौधों के पास में रखना चाहिए जिससे ज्यादा देर तक उसमें पानी अवशोषित होकर के हमारे पौधों को मिल सके। जो हम शावर करते हैं यानी नहाते हैं उसमें भी हमारा टाइम जो है वो फिक्स हो,
कि भाई हम 5 मिनट के अंदर अपना नहा धो करके बाहर आ जाएंगे, इससे क्या होगा पानी का जो यूज होगा वो कम होगा। उसके अलावा हमारा जो टॉयलेट्स में पानी यूज होता है उसके लिए भी हम लोग रिसाइकल वाटर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम वॉशिंग मशीन की अगर बात करें तो हम एनर्जी स्टार रेटिंग वाले अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन पे, उसको यूज करें जिससे हमारा पावर का कंजप्शन भी कम होगा और मशीनरी जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग हो जो हमारा टाइम कम टेकिंग हो या पानी का यूज उसमें कम हो। उसके अतिरिक्त हम देख पा रहे हैं जैसे कि शावरिंग है, गार्डनिंग है और दूसरी इरिगेशन है, और जो हम क्लीनिंग करते हैं वो पानी से ना करें, हम उसमें अपना जो है झाड़ू का यूज करें। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से हम पानी की बचत कर सकते हैं, ये हमारा छोटे छोटे कदम हो सकते हैं वाटर कंजर्वेशन की तरफ। उसके बाद हम नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें एक मॉडल हमने दिखाया है किसी घर का, जिससे हम जो वर्षा का जल है उसको संरक्षित कर रहे हैं। उस वर्षा के जल को संरक्षित करने का मतलब है कि हम उस वाटर का यूज हम आगे किस किस चीज में कर सकते हैं। अगर हमारे पास यार्ड है तो उसमें ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, हमको अगर गाड़ी धोनी है अपनी तो हम उस रेन वाटर का यूज कर सकते हैं, अगर हमको अपने अन्य रूप से किसी पानी का जैसे घर की सफाई है, धुलाई है, अन्य चीजें हैं तो उसमें हम लोग उस वाटर का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो बारिश का जल है उसको हम लोग संचित करें अपने डे टू डे जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उसके लिए, ठीक है। पीने के लिए नहीं, लेकिन अन्य जो हमारी एक्टिविटीज हैं डे टू डे घर में उसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रोसेस हम मैं इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चित्र में वर्षा का जल इन पाइपों के द्वारा इकट्ठा हुआ हमारे रेन वाटर कलेक्शन टैंक में, और फिर इस रेन वाटर कलेक्शन टैंक से जो हमारा अन्य चीजों के लिए हम कनेक्टिविटी कर देते हैं उसकी अन्य चीजों के यूज के लिए। तो एक इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि वर्षा का जल हम कैसे कलेक्ट करेंगे, उसका फिर अन्य चीजों में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा आजकल बहुत प्रचलन में है, जैसे कि हम वर्षा के जल का यूज अपने अन्य कामों में कर सकते हैं, और वाटर कंजर्वेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है जो हम नेचुरल फ्रेश वाटर है उसकी हम बचत कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग कर। उसके बाद आता है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, वाटरशेड क्या हुआ, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं एक वाटर बॉडी है, उसके आसपास चारों तरफ पहाड़ी है, ठीक है। जो ये पहाड़ियां हैं ये इसका वाटर का कैचमेंट एरिया है, यानी कि इन पहाड़ियों से जल एकत्र होकर के उस वाटर बॉडी को रिचार्ज करता है, उसमें फ्रेश वाटर डेवलप करता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको मैं उदाहरण दूं, अगर हम छाते का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, अगर हम छाते को उल्टा रखें तो आप देखते हैं कि अगर उसमें बरसात में अगर हम छाते को उल्टा करें तो उसका चारों तरफ से पानी इकट्ठा होकर के कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा ना। तो जो छाते के चारों किनारे हैं वो उसका कैचमेंट एरिया हो गया, यानी कि उस कैचमेंट एरिया से जल एकत्र होकर के कहाँ आएगा, हमारे सेंटर पे, जो सेंटर क्या है, वाटर बॉडी है। यानी कि इन चारों तरफ से हमारी जो सेंटर में वाटर बॉडी है उसको क्या होगा, रिचार्ज करेंगे और हमारी जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है। अब ये वाटर साइड मैनेजमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, वाटर साइड मैनेजमेंट क्या होगा, आप जानते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में उसके चारों तरफ पेड़ पौधे होंगे जो वाटर को रिटेन करे रहते हैं, जो भूमिगत जल है हमारा वो नीचे रिस्क करके उस वाटर बॉडी को रिचार्ज करता है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाएगा। तो इस तरह से उस वाटर का यूज हम अपने फ्रेश वाटर में यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड, वाटरशेड का उद्देश्य,
Watershed is a geohydrological unit of a land that drain at a common point. यानी कि watershed एक hydrological unit है, natural hydrological unit है, जो कि किसी क्षेत्र में पानी drain out करके एक water body को recharge करता है और पानी को संरक्षित करता है.